अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज की हमारी रेसिपी है रमज़ान स्पेशल प्याज वाले पकौड़े, जो कि बहुत ही इजी बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप बेसन, कट हुआ हुआ हरा धनिया, 3 से 4 अदद कट हुई हुई प्याज, 1/2 टीस्पून हल्दी, हसबे जायका सॉल्ट, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा। साबित धनिया को मोटा मोटा कूट लें। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बाउल में बेसन और प्याज डालें। अब सब स्पाइसेस ऐड कर दें। अब इसमें धनिया डालें। धनिया डालने के बाद अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन का मिक्सर बना लें। बेसन का मिक्सर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं मिक्सर रेडी हो चुका है। अब आप इसे 10 से 15 मिनट स्टे दे दें। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कढ़ाई में ऑयल डाल के मीडियम आंच पे गरम कर लें। ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बेसन को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। आज हम आपको 2 तरीके से पकौड़े फ्राई करना बताएँगे। 1, हाथ से, और 2, स्पून से। ऑयल गरम हो चुका है, अब आप इसमें स्पून से पकौड़े डाल दें। एक साइड से पकौड़े लाइट ब्राउन हो जाए तो उसकी साइड चेंज कर लें। अब पकौड़े दोनों तरफ से लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसे सर्व कर लें। स्पून वाले पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं हाथ से पकौड़े। जो तरीका आपको इजी लगे आप उससे बना लें। अब इसको भी लाइट ब्राउन होने के बाद इसकी साइड चेंज कर लें। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े रेडी हो चुके हैं।
अब आप इसे सर्व कर लें, ख़ुद भी खाएं और इफ्तार में सबको भी खिलाएं। आप इसे केचप और मायोनीज चाट मसाला के साथ सर्व कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।